दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्त, करोड़पति या अरबपति की तो बात ही छोड़िए, एक बुक सेलर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाना शायद इस दुनिया के अधिकतर लोग सपने में भी नहीं सोच पाते, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी कर रहे जेफ बेजोस के दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया सन 1994 में। चूंकि 1994 में इंटरनेट का ग्रोथ काफी तेजी से हो रहा था, उसी समय जेफ बेजोस ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर कुछ स्टार्टअप करने की सोची, कुछ अलग हटके करने का सोचा। दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं, समय के अनुसार अगर काम नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। सिर्फ आज के ही नहीं, आने वाले ट्रेंड को भी समझना होगा और उसी अनुसार काम भी करना होगा। जेफ बेजोस ने भी यही किया। वो इस दुनिया में आने वाली इंटरनेट क्रांति को पहले ही भांप गए थे। उन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन बुक सेलिंग के लिए इंटरनेट पर काम करना शुरू किया। इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करने की वजह से इन्हें इस क्षेत्र के बारे में तो जानकारी थी ही, लेकिन ये कंप्यूटर साइंस की भी नॉलेज रखते थे। पहले तो ये कडाबरा नाम रखते हैं, लेकिन ये नाम बोलने में फिट ना आने की वजह से और नाम सोचने लगते हैं। उन्होंने कई डोमेन नेम रजिस्टर करवाए, जैसे avec.com, browse.com, bookmall.com, relentless.com। फाइनली इन्होंने Amazon चूज किया। Amazon दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। आज के दिन में Amazon सिर्फ सबसे बड़ा बुक स्टोर ही नहीं है, आज कुछ भी ऑनलाइन खरीदने के लिए Amazon सबसे बड़ा और सबसे ट्रस्टेड स्टोर है। इसके अलावा Amazon प्राइम वीडियो सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म में से एक है। Amazon वेब सर्विस अपने फील्ड में नंबर वन पर है। Amazon ड्राइव, Amazon किंडल, Amazon एलेक्सा, Amazon म्यूजिक, Amazon पे, Amazon ऑडेबल, Amazon फ्रेश, जो कुछ देशों में राशन भी डिलीवर करती है। आखिर एक बुक स्टोर कंपनी दुनिया के इतने सारे क्षेत्रों में कैसे अपना कब्जा जमाए हुए है, कैसी सोच है जेफ बेजोस की, क्या है इनका बिजनेस मॉडल। इनका आइडिया काफी सिंपल था लेकिन यूनिक था। किताबें बेचना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से किताबें बेचना एक खास बात थी उस समय। लोगों को अब बुक्स खरीदना आसान बन गया। यहां फिर एक पॉइंट निकला कि लोगों के काम को अगर आसान बनाती है कोई कंपनी तो उसे सफल होने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चाहे आज कोई कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है और सपने बहुत बड़े। लोगों को आसानी हुई बुक खरीदने में। 1995 में Amazon ने वेबसाइट लॉन्च किया और 1996 तक लगभग 1,80,000 का कस्टमर बेस बन गया। 1997 तक आते आते इनका बिजनेस $148 मिलियन का हो गया और 1997 में ही इन्होंने इसे एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बना दिया। इसे अब स्टॉक मार्केट में उतार दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे आ सके और ये अपना बिजनेस बढ़ा सके। और 1998 तक इसकी रेवेन्यू $600 मिलियन तक पहुंच गई। इनकी सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि सभी तरह की किताबें ये सस्ती कीमत पर कस्टमर्स तक पहुंचाते थे, बिल्कुल कम प्रॉफिट पर। कस्टमर्स की संख्या अधिक होने की वजह से अधिक सेलर्स भी Amazon पे मूव करने लगे। साथ ही ये जितना प्रॉफिट कमाते थे उससे अपने वेबसाइट को और बेहतर बनाते थे। कस्टमर्स को बेहतर से बेहतर सर्विस देना इनका सबसे बड़ा टारगेट था। साथ ही प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिस्काउंट के रूप में भी यूज करते थे ताकि सस्ती किताबें कस्टमर तक पहुंच पाए। चूंकि सारा गेम इसी का था, मार्केट से सस्ती किताब और घर बैठे आसानी से सर्च भी कर लेना और घर पर मिल भी जाना। 1998 में ही इन्होंने बुक्स के अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने का प्लान बनाया। ये Amazon की वेबसाइट पर कंप्यूटर गेम और म्यूजिक भी बेचने लगे। जबरदस्त सक्सेस मिली। 1999 में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बन गए। चूंकि ये इस क्षेत्र में उस समय अकेले थे, कोई कंपटीशन वहां नहीं था। सन 2000 में Amazon मार्केट प्लेस शुरू किया गया। अब कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर कुछ भी बेच सकता था Amazon पर। फायदा यह था कि Amazon कुछ पोर्शन कट ले लेगा सेल से जो भी चीज बिकेगी। इससे फायदा यह हुआ कि Amazon को कोई स्टोर या कंपनी नहीं बनानी पड़ी। प्रोडक्ट किसी और ने तैयार किया, बेच कोई और रहा है, खरीद कस्टमर्स रहे हैं, बस वेबसाइट Amazon का है। इतने सेलर और कस्टमर्स Amazon विजिट करने लगे कि डेटा की समस्या होने लगी। Amazon ने सोचा कि क्यों ना अपना ही डेटा सेंटर डेवलप किया जाए, और उस वक्त फील्ड भी खाली था और यही जन्म हुआ Amazon वेब सर्विस का, AWS का। इसमें इतनी सक्सेस मिली कि आज के दिन ये हाईएस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है Amazon के लिए। लगभग 40% प्रॉफिटेबिलिटी Amazon की AWS से आती है। 2007 में ई रीडर लॉन्च किया।
इसमें जो किंडल लॉन्च किया वो नॉन प्रॉफिटेबल था, लेकिन उस पर जो बुक्स पढ़ी जाती थी वो अमेजोन से बाई करना पड़ता था। खैर अगर और बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर बात करें जेफ बेजोस की, तो इन्होंने हमेशा कुछ नया करने का ट्राई किया जिसमें कोई कंपटीशन नहीं था। उस वक्त नए सोच और बड़े सोच के साथ ही इन्होंने जॉब छोड़ने का रिस्क लिया और ये साबित कर दिया कि हिम्मत और जुनून हो कुछ करने का तो सफलता भले ही थोड़ी देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। ऐसी बात नहीं कि अमेजोन को सिर्फ सफलता ही मिली हो। 2014 में इसने अपना मोबाइल लॉन्च किया अमेजोन फायर स्मार्टफोन, इसमें जबरदस्त फेलियर मिली। लेकिन भारत में अमेजोन 2013 में आया, तब तक फ्लिपकार्ट 2007 से अभी तक अपना मार्केट और भरोसा बना चुका था और आज भी फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी कंपनी को तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। अमेजोन का सबसे बड़ा सोच यह है कि यह बहुत कम प्रॉफिट पे काम करता है और कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देता है। इसने सेलर्स को भी आकर्षित किया और कस्टमर्स को भी। आज भी इंटरनेट की दुनिया बढ़ती जा रही है और एक से एक प्रोडक्ट डेली लॉन्च हो रहे हैं। नए नए प्रोडक्ट को सफलता भी मिल रही है क्योंकि अब मार्केट को समझना आसान हो गया है। लेकिन एक ऑनलाइन बुक बेचने वाला दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना, यह आश्चर्य की बात जरूर है। और इसकी सफलता से ही दुनिया पर भविष्य में किस कंपनी का राज होगा यह समझा जा सकता है। आज अमेजोन के एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल से लाखों लोग घर बैठे कमा रहे हैं और इससे भी अमेजोन के मार्केट में काफी विस्तार हुआ है। सेलर्स की कमाई तो होती ही है, साथ ही एफिलिएट लिंक शेयर करने वाले भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। एक तरह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है इससे। दिन प्रतिदिन अमेजोन नए नए क्षेत्रों में उतरती जा रही है क्योंकि अब कंपटीशन सभी क्षेत्रों में बढ़ता ही जा रहा है। कुछ नए केस स्टडी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।